गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ लेसन नंबर इलेवन अर्थ सन एंड मून इन दिस पार्ट वी विल रीड अबाउट मून द मून एंड द मैन द फर्स्ट मैन टू मेक प्रॉपर मैप्स ऑफ द मून वॉज गैलीलियो ही हैड डेवलप्ड अ टेलीस्कोप टू स्टडी द मून मून का फर्स्टली प्रॉपर मैप किसने बनाया था गैलीलियो ने और उन्होंने टेलीस्कोप डेवलप किया था जिसके थ्रू उन्होंने मून की स्टडी की थी द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून वाज ल्यूना वन इन नाइनटीन बाय द फॉर्मर यू एस एस आर ऑन ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन अपोलो इलेवन बिकेम द फर्स्ट मैन स्पेस सबसे फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कौन था कौन सा था लूना फर्स्ट बट सबसे फर्स्ट जिसमें मै इंसान गए थे मैन गए थे वो कौन सा था अपोलो इलेवन दिस स्पेस क्राफ्ट हैड ए क्रू ऑफ थ्री एस्ट्रोनॉट्स और इस स्पेस क्राफ्ट में थ्री एस्ट्रोनॉट्स गए थे कौन कौन नील आमस्टंग बजलड्रिन एंड माइकल कॉलिंग्स कमांडर नील आर्मस्ट्रॉंग बिकेम द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून और फर्स्टली स्टेप किसने रखा था मून पर नील आमस्ट में यू कैन सी देयर पिक्चर ऑल्सो ऑफ नील आमस्ट्रॉंग बेजलड्रिन एंड माइकल कॉलिंग्स दे परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मून सरफेस और वहाँ पहुँच कर उन्होंने मून की सरफेस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड कलेक्ट सॉयल एंड रॉक सैम्पल्स टू रिटर्न टू द अर्थ और जब वो अर्थ पर वापस आए तो वहाँ की सॉयल के रॉक्स के सैम्पल कलेक्ट करके लाए किसके लिए मून की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए उसकी स्टडी के लिए सिंस द मैनी मिशन हैव गॉन टू द मून टू इस एक्सप्लोर द स्पेस और उसके बाद बहुत सारे मिशन हुए मून पर जाने के लिए मून को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इवन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई एस एस स्पेस रिसर्च स्टेशन दैट हैज बिन बिल्ट वेयर वन कैन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी स्पेस नाउ इक्लिप्सिस मीन्स ग्रहण आप सभी ने सुना होगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण यस yes, ये वही है इक्लिप्सिस मीन्स ग्रहण इक्लिप्सिस अकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ मून एंड अर्थ इक्लिप्सिस होने का रीज़न क्या है अर्थ और मून का रेवोल्यूशन द पोजिशन ऑफ मून और एंड अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रिवॉल्विंग मूवमेंट्स इनके रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ और मून की पोजिशन चेंज होती रहती है इक्लिप्सिस अकर वैन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन और इक्लिप्स किस कंडीशन को बोलते हैं जब सन अर्थ और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं दीज आर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर शेडोज कास्ट बाय द अर्थ एंड द मून बाय लुकिंग ब्लॉकिंग द सन लाइट फॉलिंग ऑन ईच अदर ये बहुत ही शानदार एक तरीके से आप परछाई मान सकते हैं किसके द्वारा बनती है अर्थ और मून के द्वारा जिसमें सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है जिस वजह से उनकी लाइट अर्थ पर डायरेक्ट नहीं पड़ती फर्स्ट

इसमें क्या होगा अर्थ आती है किसके बीच में सन और मून के बीच में वैन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है चक्कर लगाती है सम टाइम इट बिकम्स बिटवीन द सन एंड मून और तो कभी कभी किस तरीके की सिचुएशन आती है कि ये सन और मून के बीच में आ जाती है द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन मून द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट इज कॉल्ड द अम्बरा द अदर पार्ट दैट ब्लॉक्स ऑनली अ पार्ट ऑफ सन लाइट इज कॉल्ड द पैनम्बरा और ऐसा होने पर क्या होता है अर्थ की शेडो किस पर पड़ती है मून पर द पार्ट ऑफ द शेडो टोटली ब्लॉक्स शेडो का वो पार्ट जो टोटली सन लाइट को ब्लॉक करता है उसको अम्बरा बोलते हैं और जो दूसरा पार्ट है जो कुछ ही पार्ट को सन लाइट ब्लॉक करता है उसको पैनम्ब्रा बोलते हैं यू कैन सी इन दिस डाइग्राम ऑल्सो लूनार इक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शल अब लूनार इक्लिप्स भी दो तरीके के हो सकते हैं टोटल और पार्शल मीन्स टोटल मीन्स पूर्ण चंद्र ग्रहण और पार्शल मीन्स आंशिक वैन मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शेड ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड टोटल लूनार इक्लिप्स जब मून कम्प्लीटली अर्थ की डार्क शेडों में होता है तो उसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स वैन मून इज ओनली पार्शली हिडन और जब मून पार्शली यानी कि मून का कुछ ही पार्ट अर्थ की शेडो से छिपा होता है तो उसको बोलते हैं पार्शल लूनर इक्लिप्स ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट सोलर इक्लिप्स टिल देन टेक केयर बाय बाय